हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जिसको बड़े नहीं पसंद करते और बच्चे तो शायद बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, पर एक बार इस तरीके से बना के देखिए। मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत पसंद से टिंडे की सब्ज़ी खाते हैं। इसके लिए आप टिंडे को छील के अच्छे से धोकर और 4 पीसीज में काट लीजिए। टिंडे मोटे मोटे ही काटें। इनको काटने के बाद हम प्याज लहसुन मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। प्याज लहसुन को दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, टिंडे की सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है। देखिए, प्याज लहसुन इस तरीके से पीस लीजिए मिक्सी में। और अब हम इसको तेल डालेंगे पैन में। तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसके बाद प्याज लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। प्याज लहसुन को ब्राउन होने तक भूनना है। अच्छे से मसाला भूनेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की एक ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। यदि प्याज लाल हो जाए तो इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल दीजिए और इसे तब तक पकाइए जब तक कि मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे। इसमें हमने हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड करनी है। हल्दी लाल मिर्च ऐड करके अच्छे से घुमा के हम इसमें कटे हुए टिंडे डालेंगे। कटे हुए टिंडे डाल के हमें मसाले में 1 मिनट तक अच्छे से भूनने हैं। इससे टिंडों के ऊपर मसाला बहुत अच्छे से लगा होता है और ग्रेवी बहुत टेस्टी हो जाती है। देखिए, ऐसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं। और इनको पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट हल्की आंच पर पकाइए और उसके बाद हरा धनिया डालकर सर्व कीजिए। थैंक यू।